तो गाइस हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारी न्यू और फ्रेश वीडियो पर। तो गाइस आज हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और उसके यूजर्स बताना चाहते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है पावर डायरेक्टर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पावर डायरेक्टर। तो वो आपको सिंपली कहाँ पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर में। और जैसे कि ये प्ले स्टोर मेरा ओपन हो गया, फिर बाद में यहाँ पर सर्च जैसे कि आप करते हो, वहाँ पे डालना है पावर डायरेक्टर। पर पावर डायरेक्टर मैं जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे कर देना डायरेक्टर। और भाई जिसने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो भाई। जैसे कि यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन हो गया तो भाई आप जैसे कि ये देख रहे हो, आपको सिंपली ये न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और उसे आप नाम दे सकते हो और आपको जिस साइज में चाहिए वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ भावेश, और मुझे जिस साइज में चाहिए मैं उसमें कर लेता हूँ। जैसे कि रेगुलर साइज होता है 16.9, और ज़्यादातर पिक्चर्स वो बनाने में होता है 1.1। तो ये हो गया, बाद में इसे आप कर लेना। और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना जिसे आपको एडिट करना है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर वीडियोस में, और वीडियोस में मैं मेरा एक वीडियो ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा यहाँ पर वीडियो आ गया। और आपको बैक लेने को ये वीडियो के बाद जो आइकन दिख रहा है, जो ये आइकन है ना, ये वीडियो के पास जो आइकन है उसे दबा लेना है, क्लिक कर लेना है। और जो आपको इस वीडियो के दौरान मतलब बीच में जो भी फ़ोटो चाहिए, मतलब आपको कुछ भी फ़ोटो इसके अंदर इनबिल्ड नहीं आती है इसके अंदर फ़ोटो, जो भी फ़ोटो चाहिए उसे आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो। तो मुझे इसमें फ़ोटो चाहिए मेरे लोगो की, जैसे कि मैं मेरा लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पर। और आप इसे कितना भी कर सकते हो, कितना भी लंबा कर सकते हो, कितना भी, जैसे कि मैंने अभी किया है। और आप कहाँ पर भी क्लिक करोगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। आ चुके हम स्ट्रीम पर, तो देखो भाई ऐसा हो जाएगा। फिर बाद में आपको इसके बाद जो भी कंटिन्यू करना है, तो फिर जैसे कि ये फ़ोटो के बाद, मतलब फ़ोटो के बीच में कुछ भी सॉन्ग्स वो डालना है। तो यहाँ पर आपको ये लेयर दिख रही होगी, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर, मतलब ये म्यूज़िक की फर्स्ट लेयर है और ये पिक्चर की फर्स्ट लेयर है। मतलब आप अनलिमिटेड पिक्चर्स भी डाल सकते हो, तो जैसे कि मैंने डाला है। और भाई अब मैं इसके अंदर सॉन्ग्स डालता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास सॉन्ग्स, तो भाई यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर नमो नमो वाला जो गाना है, सॉन्ग है, उसे मैं कर लेता हूँ फटाक। आ चुके हम स्ट्रीम पर, तो भाई सबको गुड मॉर्निंग भाई। तो बहुत हार्ड तरीके से भाई मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा था भाई, आपने देखा तो कैसे हो गया भाई, ये फटाफट हो जाएगा। ये कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ होता है ऐसा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड भाई सी यू। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसे, मतलब इसके और भी यूजेज, जिसके अंदर क्रोमा कीइंग आती है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब आपके पीछे कोई ग्रीन कलर का पर्दा होगा और आपको आप उसे सिंपली एडिट कर सकते हो क्रोमा कीइंग से। वो इसी एप्लीकेशन में आता है, मैं आपको इसके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो भाई बाय बाय, सी यू सून।